आज जन्माष्टमी है, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, उपवास करने के बाद भी प्रसन्न है। मैं एक सहज योगी हूं और हम लोगों के लिए प्रसन्न होना बहुत ही सरल है। कुछ पाने की इच्छा नहीं है, बस देने की ही इच्छा है। इसकी कंपैरिजन में बहुत सारे लोग हैं जो एक लंबी लिस्ट से मंदिर में जाते हैं, मांगते हैं, एंडलेस लिस्ट। जब मांगते हैं तो कहीं ना कहीं एक टीस है उनके मन में, होड़ है कुछ पाने की। ऐसे लोगों को मैं दुखी मानती हूं। जब आपकी एक लंबी लिस्ट हो इच्छाओं की, लालसा हो, शिकायत छिपी हो, तो आप भगवान से बहुत दूर हैं, आपकी प्रार्थनाएं भी काम नहीं करती। प्रार्थना अगर सुननी है ऊपर वाले को, तो आप बिना मांग किसी उनके पास पहुंचे, यही प्रसन्नता का एक बहुत सरल सा उपाय है। हम लोग यहाँ पर खुशियां बांटने और खुशियां बटोरने आए हैं। जो भी कुछ मिला है उसी में हमें संतोष करना है। कब तक दूसरों को देखते हुए इच्छाओं को बढ़ाते रहते? आवश्यकता है ऊपर वाला जरूर पूरी करेगा। किसकी भी कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं करी। खाली हमारी ईमानदारी होनी चाहिए कि हम मेहनत करने के लिए राजी हैं और जो भी कुछ मिले उसको स्वीकार करें। स्वीकार भाव बहुत जरूरी है। तो प्रसन्नता के लिए चाहिए कि वो जो लंबी लिस्ट आज मंदिर में भगवान के सामने व्यक्ति खड़े हैं, उनके पास लंबी लिस्ट है, वो खत्म हो जानी चाहिए। इसमें शिकायत छिपी हुई है, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, कुछ मत मानिए, बस बांटिए। यही मेरा संदेश है, यही सुंदर प्रसन्न रहने का बहुत सुंदर मंत्र है।